आईआरसीटीसी ने भी जांच के लिए बनाई 2 सदस्य कमेटी, 3 दिन में कमेटी देगी जांच रिपोर्ट। सुबह 9:30 बजे साउथ ब्लॉक में होगी कैबिनेट की अहम बैठक, खाने पीने की चीजों की महंगाई कम करने पर चर्चा की उम्मीद। पॉन्जी स्कीम्स पर सेबी के अध्यादेश को लेकर भी चर्चा की उम्मीद, सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ टन गेहूं बाजार में उतारने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। भारत पाक के बीच रिश्ते सुधारने की बड़ी पहल, 25 अगस्त को होगी सचिव स्तर की बातचीत, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाक के विदेश सचिव से फोन पर की बात। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में भारतीय विदेश सचिव ने सीज फायर के उल्लंघन का मामला भी उठाया, मंगलवार को संसद में भी उठा था सीज फायर उल्लंघन का मामला, रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पाक को दी थी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन टूटने के आसार, सीटों के बंटवारे पर एनसीपी और कांग्रेस में नहीं बन रही बात, देर रात मुंबई के सह्याद्री बंगले पर हुई दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक, बैठक में नहीं हो पाया कोई समझौता। 2009 के फॉर्मूले पर ही सीट शेयरिंग पर अड़ी है कांग्रेस, बैठक के बाद कांग्रेस नेता माणिक राव ठाकरे ने किया 2 टूक, एनसीपी नहीं मानी तो अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। उन्होंने जिक्र वही किया है कि हमको 144 ही चाहिए तो ही हम बात कर सकते हैं, इस तरीके से बात होने के बाद मुझे नहीं लगता है कुछ आगे चलकर इसमें से ठीक बात हो सकेगी। नई मुश्किल में फंसे सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा, पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन पर जांच में मेहरबानी बरतने का आरोप। आज तक के पास मौजूदा दस्तावेजों के हुआ बड़ा खुलासा, अपने ही जांच अधिकारियों के सिफारिश के बावजूद मारन के खिलाफ रोकी जांच। एयरसेल मैक्सिस डील में करोड़ों के हेरफेर का था मामला, सीबीआई डायरेक्टर के नोट के बाद रोकी गई थी जांच। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे दयानिधि मारन के खिलाफ जांच की फाइल पर सीबीआई डायरेक्टर ने लिखा था नोट, सबूतों को बताया था नाकाफी। दयानिधि मारन के अलावा मीट व्यापारी मोइन कुरैशी पर भी मेहरबानी का आरोप, कुरैशी की बेटी की कंपनी को दिए गए सीबीआई के ठेके। कोलकाता में हैवान बनी महिला टीचर, सामने आया दरिंदगी का वीडियो, सीसीटीवी फुटेज में मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटती नजर आ रही है महिला टीचर, 3.5 साल का है बच्चा। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके की घटना, बच्चे के घर वालों ने 3 दिन पहले ही टीचर को नौकरी पर रखा था, बच्चे के रोने पर भी नहीं महिला का दिल पसीजा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस के मुताबिक मामले की हो रही है जांच, जांच के बाद पीड़ित परिवार को कार्रवाई का दिलासा। महिला टीचर की हैवानियत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सख्त, महिला और बाल कल्याण मंत्री को तलब कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। किशोर अपराधियों को लेकर कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक महिला बाल कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया नोट, सूत्रों की खबर, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुवेनाइल जज को फैसला करने का होगा अधिकार। आम आदमी पार्टी हरियाणा में नहीं लड़ेगी चुनाव, करनाल में बुलाई गई बैठक में हुआ फैसला, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव भी मौजूद, अब केंद्रीय कार्यकारिणी को भेजी जाएगी राय। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गोदारा ने कहा आपसी तालमेल नहीं होने से चुनाव नहीं लड़ने का लिया फैसला। दिल्ली बीजेपी के नेता करेंगे उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर करेंगे चर्चा, सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पोस्टर के मुद्दे पर भी एलजी से चर्चा करेगी बीजेपी। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे आज पार्टी कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक, आगामी विधानसभा चुनावों पर करेंगे बात। महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसद के जबरन, रोजेदार को रोटी खिलाने के मसले पर भी बोल सकते हैं राज। लखनऊ में महिला से हुए रेप की जांच पर चढ़ा सियासी रंग, बीएसपी विधायक देव नारायण सिंह ने दिया धरना, पुलिस की ढीली कार्रवाई पर बिफरे बीएसपी विधायक, जांच को बताया गलत, सीबीआई से जांच कराने की मांग की।
दिल्ली के बिंदापुर में बेटिंग के चक्कर में फंसी युवती की जिंदगी। एमएनसी में काम करने वाले दो दोस्तों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज। गुड़गांव की एमएनसी में काम करती है युवती। 6 महीने से आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी युवती। दोस्त नितिन से लड़की का घमंड तोड़ने की आरोपी विजय पांडे ने लगाई थी शर्त। 6 महीने तक लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के बाद किया शादी से इनकार। बिंदापुर में पंचायत बुलाकर भी डाला था युवकों पर दबाव। आरोपियों के ना मानने के बाद थाने में दर्ज कराई शिकायत। दोनों आरोपी फरार। गया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 खूंखार नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी किए बरामद। रूटीन चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। ऋषिकेश में पेट्रोल भरने के दौरान टल गई बड़ी अनहोनी। अचानक बाइक के पेट्रोल टैंक में लगी आग। नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर घर लौट रहे थे कांवड़िए। अचानक लगी आग के बाद मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से राज्य की नदियां उफान पर। बस्तर में करीब 250 गांव जलमग्न। इंद्रावती महानदी और शिवनाथ नदी में बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को खाली कराने के दिए आदेश। बिजली सड़क और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सरकार का निर्देश। 24 घंटे कंट्रोल रूम में मौजूद रहें। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में देनवा नदी में उफान से बाढ़। पंचमढ़ी में 12 घंटे तक फंसे रहे सैकड़ों पर्यटक। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण देवना से पंचमढ़ी का रास्ता बंद। पर्यटकों को किसी तरह निकाला गया। मॉनसून आते ही वडोदरा में फैलने लगा वायरस। गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। वायरस के प्रभावित हुए बच्चों को हो रही है तेज बुखार और खून की उल्टी की शिकायत। मल्टी ऑर्गन फेल्योर से भी हो रहे हैं पीड़ित। वडोदरा में अभी तक 7 मामले आ चुके हैं सामने। 4 बच्चों की हुई मौत। 1992 में पर्थ में खेली गई शतकीय पारी को सचिन ने बताया बेस्ट। कहा वहां शतक जड़ने के बाद मुझमें काफी आत्मविश्वास जगा। मुंबई में एक समारोह में पहुंचे सचिन ने कहा पर्थ में शतक लगाने के बाद मुझे लगा अब मैं दुनिया में कहीं भी रन बना सकता हूं। अपने बेटे अर्जुन को लेकर बोले सचिन। कहा वो जो भी करेगा मैं उसके फैसले का समर्थन करूंगा। सचिन ने कहा मेरी बेटी अपनी माँ के नक्शे कदम पर माँ की तरह वो भी डॉक्टर बनना चाहती है। होंडा की नई कार मोबिलियो लॉन्च। इस साल ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो में दिखी थी झलक। पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में लॉन्च हुई नई कार। पेट्रोल मॉडल की कीमत की शुरुआत 6,50,000 से। बीएमडब्ल्यू ने लॉन्च की 7 सीरीज की हाइब्रिड कार। हाइब्रिड कार की कीमत 1,35,00,000। बैटरी पूरी तरह से चार्ज होने पर 60 किलोमीटर तक चलेगी कार। बाद में पेट्रोल से भी चलाई जा सकती है कार। अभिनेता राजीव खंडेलवाल ने मुंबई में लॉन्च किया इंडिया टुडे ट्रैवल प्लस का स्पेशल इशू। आप जान सकते हैं अपने सितारों के फेवरेट डेस्टिनेशन के राज। मोहित रैना और यामी गौतम समेत कई सितारों ने खोले अपने राज। पसंदीदा जगह को लेकर रखी अपनी राय।